सभी को और जहां तक मेरी बात पहुंच पा रही है सबको जय भीम जय मंडल जय जवान। क्योंकि यह सभा बहुजन चेतना को समर्पित है तो मैं अपनी बात की शुरुआत पंक्तियों से करना चाहूंगी जो बीपी सिंह साहब मंडल कमीशन के एक रिकमेंडेशन को लागू कराने के बाद दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त 1990 को इस देश को संबोधित किए थे। वो वाक्य था कि इस देश के जो गरीब हैं, गरीबों की आंखों में आंसू को समय तक तो होता है लेकिन वही आंसू फिर तेजाब बन जाता है और वो तेजाब इतिहास के पन्ने को चीरते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह समझिए कि गरीब की आंख में जब तक आंसू है तब तक आंसू है पर जब आंसू है तो उसकी आंखें अंगार हो जाती हैं और जब गरीब की आंखें अंगार होती हैं तो सोने के महल में पिघल कर फनालों में बहते हैं। ये बीपी सिंह साहब का संबोधन था मंडल कमीशन के एक रिकमेंडेशन को लागू करने के बजाय बात। इसलिए मैं मंडल विरोधियों से पूछना चाहती हूं कि जब मंदिर में एक ही जाति के पुजारी का सदियों से आरक्षण है हो जाते हो जवाब क्यों नहीं देते। मैं मंडल विरोधियों से पूछना चाहती हूँ कि अरे रिजर्वेशन तो 1990 में लागू हुआ उसके पहले तो 100% रिजर्वेशन तुम्हारा ही था शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में। तुमने ऐसा क्या किया कि जिस पर मैं यहाँ पर खड़ी होकर गर्व महसूस करूँ इस सभा में बैठे हुए लोग गर्व महसूस करें और ये देश गर्व महसूस किए। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है सिवाय 33 करोड़ देवी देवताओं को जन्म देने के अलावा। वो तो शुक्र है उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी नहीं तो इस धरती पर इस देश में इंसानों से ज्यादा भगवान घूम रहे होते। ये कहते हैं कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश में जाति कट्टरता बढ़ी है। अरे इससे कोई पूछे कि अपने धूर्त तरीके से इस समाज का बंटवारा कैसे किए है कि हम अपने ही बाल को देखे तो हमें नाई नजर आता है। अगर हम घर में कपड़े धोए तो हमें धोबी नजर आता है। बर्तन धोने जाए तो हमें कहार नजर आता है। मिट्टी के बर्तन देखे तो हमें कुम्हार नजर आता है। और गाय भैंस दूध दही देख ले तो हमें अहीर बोला नजर आता है। और लोहा देख ले तो हमें लोहार नजर आता है। लकड़ी देखे तो हमें बढ़ई नजर आता है। पान देखे तो हमें चौरसिया नजर आता है। ताई देखे तो हमें पासी नजर आता है। इस तरह के से इन्होंने समाज का बंटवारा किया है। लेकिन वही हम शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में देखे तो हमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण समझ जातियां ही क्यों नजर आती हैं। तो आप बताइए इस देश में इस समाज में जाति कट्टरता का जन्म किसने दिया है ये हमें समझने की जरूरत है। और आपको बता दें इसी तरह की जाति कट्टरता को देखते हुए जब 1919 में राजनीतिक सुधार हो रहा था इस देश में जिसका नाम था मोंटाग्यू एंड जेम्स फॉर्म का रिफॉर्म उस समय कोल्हापुर के महाराज साहूजी महाराज ने कहा कि अगर जाति व्यवस्था ऐसी ही रही तो जो होम रूल आ रहा है ये होम रूल नहीं रहेगा बल्कि एक तरह का कुलीन तंत्र होगा। और हमें अगर होम रूल को कुलीन तंत्र में बदलने से रोकना है तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उन्होंने अपने आंदोलन में इतनी जान डाल दी कि मोंटाग्यू को अपने रिफॉर्म में उनकी बात को मानना ही पड़ा। वही जो संविधान सभा की बहस चल रही थी उसके पहले ही रामास्वामी पेरियार साहब ने कहा कि जातियों की जनसंख्या के अनुसार श्रेणीबद्ध तरीके से भागीदारी की बात हो उन्होंने यह सिद्धांत दिया। लेकिन संविधान सभा में बैठे हुए जो 20 सबसे प्रभुत्वशाली लोग थे उसमें ज्यादातर अपर कास्ट से आते थे एक भी ओबीसी नहीं था। तो आप समझिए कि वो समानता की बात कैसे करते उनको समानता शायद मंजूर ही नहीं थी। और इसी तरीके से तमाम लड़ाइयों के बाद जब देश आजाद हुआ संविधान बना और इसी संविधान के फंडामेंटल राइट
होगा उस ढांचे को बनाने के काम सौंपा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आते हैं जिसे संविधान का ढांचा भी कहते हैं। उसमें एक साफ साफ लिखा हुआ था कि देश को जो देश की जो ओबीसी एससी एसटी है आजादी के बाद उनको उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा, कोई सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। और ये बात वो अपने 13 दिसंबर 1946 के पहले वाले भाषण में भी बोलते हैं और कहते हैं कि वो भी ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटीज के लिए अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। देश आजाद हुआ, संविधान बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री भी बन गए और उनके बाद भी कई सारे कांग्रेसी प्रधानमंत्री आते रहे लेकिन किसी ने भी ओबीसी रिजर्वेशन और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि जब बाबा साहब रिजाइन किए, इस्तीफा दिए और थलावा स्वामी पेरियार साहब का जब दबाव बना तो 1951 में ही उन्होंने घोषणा किया जिसका काम 1953 में शुरू हुआ काका कालिन करके चेयरमैनशिप में, जब पहला जो बैकवर्ड सोशली रेगुलेटरी बैकवर्ड प्रोसेस कमीशन बना उस कमीशन में जो 11 लोग थे रिपोर्ट आने के बाद उसमें से 5 लोगों ने असहमति नोट लगा दी। ये हम साजिश करेंगे कि कैसे जो लोग रिपोर्ट बना रहे हैं वही कैसे कह रहे हैं कि हम अपने ही रिपोर्ट से असहमत हैं, जिसका मतलब उसमें सरकार की साजिश भी हो सकती है कि सरकार नहीं चाहती थी कि देश की जो सबसे बड़ी आबादी है उसको रिजर्वेशन मिले। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जनता पार्टी के लोगों का कि जैसे ही वो सरकार में आए मंडल आयोग की खामियों को देखते हुए उन्होंने जो है कि मंडल सरकार का कल्याण करके आयोग की खामियों को देखते हुए उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया और उसके चेयरमैन थे मंडल साहब। तो अब देखिए उन्होंने कैसे 37 जातियों को आइडेंटिफाई किया और 12% देश की आबादी को आइडेंटिफाई किया और उनके लिए 27% रिजर्वेशन की बात की। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है जनता दल की सरकार जा चुकी होती है और कांग्रेस की सरकार उस रिपोर्ट को रद्दी खाने में डाल देती है। आप इस बात को समझिए। और जब दोबारा जनता दल की सरकार आती है और जब बीपी सिंह साहब उसके प्रधानमंत्री होते हैं तो वो अनाउंस करते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी आबादी है हम उनको नौकरियों में 27% रिजर्वेशन देंगे। बस यही सुनते ही आप गौर से देखिएगा पूरी तरीके से इस देश में किस तरह से ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण समर जातियों के बच्चों को उस्ताकर गंगा भड़काने का काम किया जाता है। और यहाँ तक तो हद हो जाती है कि आडवाणी से लोग अपने टोयोटो कार का ही रथ बनाकर गुजरात के सोमनाथ से मध्य प्रदेश और बिहार होते हुए अयोध्या तक रथ निकालने की बात करते हैं और रथ निकालते हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं दंगा भड़कता है। उस पर बीपी सिंह साहब कहते हैं आप रोक दीजिए, आइए हम मिल बैठ कर बात करते हैं। वो बात करने के लिए राजी नहीं थे। उस पर लालू जी कहते हैं आडवाणी जी रथ रोक दीजिए, आप हमारे राज्य में आएंगे दंगा होगा, मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा और अपने राज्य में दंगा नहीं होने दूंगा। ये बिहार के समस्तीपुर में लालू जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया, दंगा भी रोका और बीजेपी की रथ भी रोका और इस राज्य को संबोधित किया कि चाहे मेरी सरकार रहे या जाए, चाहे मेरी सरकार रहे या जाए, मैं अपने राज्य में दंगा नहीं होने दूंगा। इस तरह हमारे तमाम समाजवादी नेताओं के जद्दोजहद, यहाँ तक कि बिना इसकी परवाह किए अगर हमारी सरकार रहेगी या जाएगी जब मंडल आयोग का रिजर्वेशन 27% सरकारी नौकरियों में लागू होता है। लेकिन हम यही भूल जाते हैं, हमें लगता है कि शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन लागू हो गया, हमारी लड़ाई खत्म हो गई। बीपी मंडल साहब इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, अगर इस देश की 52% आबादी को हजार को हजार नौकरियां मिल जाएंगी तो आप सोचोगे उनकी उन्नति होगी? ऐसा नहीं होगा। इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी है उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक तरीका यहाँ पर क्या है? अगर एक समुदाय का बच्चा IAS बनता है, एक समुदाय का बच्चा IPS बनता है तो ये गर्व सिर्फ उसके घर में नहीं पूरा समाज करता है, क्योंकि सरकारी नौकरियां हमेशा प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए। इसलिए ये रिजर्वेशन नहीं है, उससे लोग उन्नत कर जाएंगे, प्रोन्नत कर जाएंगे। इस बात को भी समझने की जरूरत है। और मंडल साहब ने इसको भी बहुत क्लियर कहा, हमें भी लोग कहते हैं कि हमेशा बहुजन ओबीसी करोगे तो लोगों के मन में इच्छा हो जाएगा। मंडल साहब ने कहा था कि अगर 85% आबादी का सामाजिक सुधार होता है तो उसमें 15% जो लोग है उसमें इच्छा होना लाजिम है। इसका यह मतलब नहीं है कि 15% लोगों के मन में इच्छा हो तो 85% लोगों का सामाजिक सुधार ही नहीं करे। अरे जब देश या अंग्रेज ये देश छोड़ कर जा रहे थे तभी कुछ लोगों के मन में
शिक्षा था करके आंदोलन यही बज जाते हैं। जब साउथ अफ्रीका में काले गोरे जो रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही चल रही थी उस समय भी कुछ लोगों के मन में इच्छा था, इसका मतलब कि क्या इच्छा की वजह से लड़ाई नहीं लड़ी जाए। और अगर 15% लोगों के मन में इच्छा होता है इसका यह मतलब नहीं कि हम फिर से एकलव्य का अंगूठा और सबूक का गर्दन कटवाए। हम ऐसा हो